वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेट्स के। हमें पहले हम ये समझें कि सेट क्या है, फिर सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उस पर हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए विथ nth रूट इज एन इरेशनल नंबर, यानी अगर ए का nth रूट हो, अगर उसका रिजल्ट जो है इरेशनल नंबर आ जाए, एंड ए इज नॉट अ परफेक्ट nth रूट, is not perfect nth power, then it is called set of nth order. तो उसको set कहें कि nth order का। For example, square root of 3 है। क्या है square root of 3 है? Square root of 3 का जो result आता है वो क्या आता है? Irrational number आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये भी set होगा। आपको पता है कि ये जो square root है, square root of 3 है, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 के ऊपर पावर 1/2, ठीक है। तो क्योंकि ये n की जगह पे जो यहाँ क्या होता है 2 होता है, लेकिन यहाँ 2 जो है हम आमतौर पे शो नहीं करते, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो है स्क्वायर रूट में जो n की वैल्यू हो है वो 2 होती है, इसलिए इसको कहते हैं सेट ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि इसका जो आंसर है वो इरेशनल नंबर आता है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3/8, क्योंकि इन सारों के जो आंसर हैं वो क्या आते हैं? इरेशनल नंबर आते हैं, इसलिए इन सारों को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। जैसे ये तो एग्जांपल थे सेट के, ठीक है। हम कुछ ऐसे एग्जांपल देते हैं जो सेट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो क्या ये सेट होगा? जी, ये सेट नहीं होगा। ये क्या होगा? सेट नहीं होगा। उसके अलावा कुछ और भी हम जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं के फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड ए इज एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ए भी ए जो है कोई भी प्राइम नंबर हो। अगर आप ए के यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखें और ए के अंदर कोई भी प्राइम नंबर रखें तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा आपके पास क्या आएगा? वो हमेशा आपके पास जो है इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज थी जो हमने यहाँ डिस्कस कर ली, ठीक है। तो आपके पास चाहे देखें ये सेट क्या है? सेकेंड ऑर्डर, लेकिन सेट थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए यहाँ के लेट मी चेंज द कलर, या आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया 5 और यहाँ क्या आ गया 3, ठीक है। तो ये क्या होगा? 5 raised to the power 1/3, ठीक है। इसका आंसर भी जो आता है इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। आपका इसका जो आंसर है वो भी इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर भी इरेशनल आएगा, इसलिए ये भी सर्ड हुआ, ठीक है। लेकिन इसकी इसकी इंडेक्स क्या है? ये जो होती है स्क्वायर रूट एंथ रूट की, वो क्या होती है? इंडेक्स होती है। क्योंकि इसकी इंडेक्स 3 है, इसलिए वो क्या होगा? ये होगा थर्ड ऑर्डर, ठीक है। ये थर्ड ऑफ थर्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। अब हम थर्ड ऑफ सेकेंड ऑर्डर पे जो है कुछ प्रॉपर्टी है, हेयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑफ सेकेंड ऑर्डर की कुछ प्रॉपर्टी है, या इसको जो है स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट तो वैसे हम निकालते हैं, लेकिन सेट वो क्वांटिटी है जिसका आंसर इरेशनल नंबर आया, ठीक है। अब जो है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्क्वायर रूट और सेट ऑफ सेकंड ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स है, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी चीज है जो है आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू हो, स्क्वायर रूट को जो आपके पास अंदर वैल्यू होती है, उसकी कंडीशन यह है स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो होगी या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। कभी भी वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। अगर होगी नेगेटिव तो वो कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बाउंड हैं रियल नंबर पे, इसलिए हम ये जो है कंडीशन यहाँ रखते हैं, ए की वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू एक्स, इसको देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स है, अगर दोनों साइड स्क्वायर दें तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर जाएगा तो एक्स के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिख लिया है। उसके अलावा जो है अगर आपके पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर मल्टीप्लाई हो तो ये बराबर होता है ए के, ठीक है। ठीक है, देख लें, अगर आपके पास ए है, स्क्वायर रूट ऑफ ए है, फिर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए है, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, स्क्वायर
और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कर जाएंगे तो आपके पास ए बचेगा। तो सेम चीज जो है हमने यहाँ लिख ली है, और सेम कंडीशन जो ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक नंबर हो, स्क्वायर रूट ऑफ बी दो नंबर हो, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये दो नंबर ए की स्क्वायर रूट में लिखें और ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये सेम कंडीशन है, और सेम जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए बी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ये है कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सैड हो तो वो आपस में कट सकते हैं और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे 2/2 कट जाता है, x अपॉन x कट जाता है, ठीक है, आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास क्या होगा, यहाँ जो होगा ए अपॉन ए जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कट जाएंगे, आपके पास आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जो आपका नंबर है वो क्या हो, 0 से बड़ा हो। क्यों, अगर 0 रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0/0, लेकिन आपको पता है डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि जो है ये जो ए की वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है, क्योंकि 0 नहीं रख सकते इसलिए ए की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो क्या कह रहा है, अगर ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए है, ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए है तो वो ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये कैसे करते हैं, अगर ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए है, ठीक है, तो इसको खत्म करने में क्या देखें, अगर मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए किसके बराबर हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अगर आपने अभी ये माना कि अगर किसी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो सेम ही नंबर आ जाते हैं, देखिए 1 इज़ 1 आ जाता है, तो 1 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखूंगा। ठीक है, ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या होगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ यहाँ क्या आ जाता है, ए आ जाता है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए ए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए बचेगा। तो इसी तरीके से हमने सीखा कि ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है, जबकि सेम कंडीशन है कि अपान में 0 नहीं आ सकता, इसलिए हमने क्या लिखा, ए जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो एक कंडीशन हमने लगाई है कि अगर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान ए, तो इसको हम इस तरीके से 1/ स्क्वायर रूट ऑफ ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान ए, क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान ए को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जी स्क्वायर रूट ऑफ ए 1 जाए स्क्वायर रूट ऑफ ए और अपान में 1 आ जाएगा। 1 की जगह पे अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 जो है वो बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान ए, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब स्क्वायर रूट ऑफ ए को स्क्वायर रूट ऑफ ए से मैं मल्टीप्लाई करूंगा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसकी जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय ए सेम, और यहाँ क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब देखिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट गया, फिर क्या होगा, 1/ स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, और हमने यहाँ क्या कंडीशन रख दी है, ए जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है वो ये है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ बी है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए अपान बी। ठीक है, ठीक है, तो यानी अगर आपके पास सेपरेट स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर में है, वो सेपरेट स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है, तो इन दोनों को मिला के ए की स्क्वायर रूट दे सकते हैं, और ये न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेम कंडीशन है, ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, मसला नहीं है, लेकिन बी जो है वो लाजमन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अपॉन में 0 डिवाइड में 0 नहीं आ सकता। उसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन है, अगर ए स्क्वायर रूट ऑफ बी और सी स्क्वायर रूट ऑफ बी है तो वो दोनों साइड वाले क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर 2x प्लस जो है फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्या हो, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी एक्स हो तो आप क्या करते हैं x को कॉमन निकालते हैं और a प्लस बी करते हैं। ठीक है, x को कॉमन निकाल के यहाँ लिखते हैं, तो ये सेम कंडीशन है, आपके पास ए स्क्वायर रूट ऑफ बी है और फिर क्या है सी स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो आपने ए प्लस सी को साइड पे रखा और स्क्वायर रूट ऑफ बी यहाँ लिख लिया।